हम लोग अभी खड़े हैं पूर्णिया जिले में। यह जिला बिहार में एक ऐसा जिला माना जाता है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार में दूसरा मुख्यालय माना जाता है, और चूंकि 12 लोकसभा सीटें यहां से जुड़ी हुई हैं, उसका मेन केंद्र ये होता है, तो यहां के जो मतदाता हैं और जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उन दोनों को इस इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है मतदाताओं के पास जाकर उनके की चीज़ों को समझने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण सीट है। हमारे साथ इस बार बहुत सारे वोटर हैं, दोनों मुख्य पार्टियों का मैनिफेस्टो सामने आ चुका है। इस बार हम लोग उनका मंतव्य जानना चाहेंगे कि क्या उनका रुझान है इस इलेक्शन को लेकर। मैं सिर्फ इतना चाहूँगी जिस भी पार्टी के या जो भी हमारा सांसद बने या जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं ये चाहूँगी कि वो कार्य करें हमारे सीमांचल की धरती के लिए। भी जो कार्य हो सकते हैं वो कार्य करें। सभी कहते हैं कि राम मंदिर बनवा देंगे, मेरा ये कहना है आप पहले राम मंदिर बनवाओ फिर आप वोट लो, और आपको वोट मांगने की तभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गल के दृश्य से तो कुछ भी नहीं है, कहा जाए तो जीरो है, शून्य है। अगर आप देखें कहीं भी किसी जंक्शन पर या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर, तो आपको प्रतिदिन जो जमावड़ा आपको बाहर जाने का मिलेगा वो आपको सीमांचल कोसी से ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी रोज़गार वगैरह कुछ नहीं है, और सिर्फ जो है ये मैनिफेस्टो वगैरह जो होता है ना, सिर्फ ये चुनावी लॉलीपॉप है। ये लॉलीपॉप सिर्फ चुनाव के समय ही आता है, और ये फिर चुनाव जैसे ख़त्म हुआ जीता और लॉलीपॉप गायब हो गया। मुद्दा होना चाहिए रोज़गार का, जो युवा हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, ठीक है, शिक्षा का स्तर में सुधार हो, और स्थानीय मुद्दे भी होने चाहिए, कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनको स्थानीय विकास कार्य भी करना होता है, उनके बीच के जो जनता हैं उनके समस्याओं को संसद भवन तक ले जाना और उनके लिए कुछ करने का प्रयास करना। चुनावी मुद्दा जो है बाहरी चुनावी मुद्दा नहीं लाएँ, हमारे बीच की जो समस्या है उस मुद्दा को लेकर उठाएं और उस पर आप अपना उस मुद्दा को हमारे बीच लाएँ और उसके लिए आप लड़ें। आपको क्या क्या समस्याएँ दिखाई पड़ रही हैं? हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि एजुकेशन को लेकर के हमें सीमांचल में किसी भी खास तरह का कोई व्यवस्था नहीं दिया गया है। पूरे सीमांचल में सिर्फ पूर्णिया में नहीं, अररिया, कटिहार, किशनगंज, ये पूरे सीमांचल का है। बिहार में किसी भी खास तरह का कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं दिया गया है। हम लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। चुनाव होते हैं, स्थानीय मुद्दे इसमें होते हैं, चाहे वो आप सांसद का चुनाव करें, विधायक का चुनाव करें, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं उनके मुद्दे कुछ अलग ही होते हैं, जो चुनाव के वक्त में अचानक पैदा हो जाते हैं। उनको जन सरोकार की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आम व्यक्ति चाहता है कि उसे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं हो, उसकी परेशानियां चाहे वो पुल के संबंध में हो, चाहे वो कटाव की स्थिति में गुजर रहे हों, चाहे उनके समक्ष सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा हो, भ्रष्टाचार की बातें हो रही हो, इन तमाम मुद्दों को दूर करने के बजाय मुद्दों से भटकाने की जो कोशिश की जाती है, ये सबसे अहम मुद्दा है। लोगों को अपनी समस्याओं से निजात चाहिए। लोकसभा चुनाव है, इसमें हर मतदाता को मतदान का जो अधिकार मिला है, संवैधानिक अधिकार, इसका तो सब आदमी खुलकर प्रयोग करें। सबसे पहले तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, साथ ही कहना चाहूँगा कि इसका उपयोग आप ऐसे कैंडिडेट के लिए करें जिसको आप सबसे बेहतर मानते हों। अब देख लीजिए, पूर्णिया चूँकि प्रमंडल रहा है, इससे कई ज़िले कट कर अलग हुए हैं, लेकिन पूर्णिया जिस क्रम से इसका विकास होना चाहिए था वो विकास अब तक नहीं हो पाया है। स्थानीय मुद्दे होने चाहिए। ये जो लोकसभा का चुनाव होता है, जनप्रतिनिधि जो जीत के जाते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर जीत के जाते हैं। विकास का मुद्दा होना चाहिए, और इन मुद्दों को छूने का काम कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही है। जिस तरह से दोनों बड़ी पार्टियों ने चुनावी मुद्दों को अलग करके अलग अलग मुद्दे लाने की कोशिश की है, जैसे राम मंदिर के मुद्दा को उठाना जा रहा है, चौकीदार जैसे मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो जो मुख्य मुद्दे हैं उसको गौण कर दिए गए हैं, और ऐसे मुद्दों को लाया गया है जो जिससे आम जनता को उससे कोई सरोकार नहीं है, तो ऐसे मुद्दे ज़्यादातर आ रहे हैं, वैसे मुद्दे को बिल्कुल गौण कर दिया गया है। चौकीदार जैसे मुद्दे से आम लोगों को क्या लेना देना है? आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उससे आम पब्लिक को क्या मतलब बनता है? तो ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिससे कोई आम लोगों को मतलब नहीं बनता है।